The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar, adab, sat sri akal, dosto, main hu Dr. Paramjeet, aap dekh rahe hain Dr. Education. दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से एक है जो कोविड या कोरोना के वजह से वजन का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? कोविड का वेट से काफी गहरा तालमेल है और ये देखा गया है मेडिकल रिसर्च में कि कोरोना की बीमारी के दौरान, कोविड के दौरान आपका वजन गिरता है. क्यों गिरता है? उसके तीन मुख्य कारण है. नंबर एक, कोविड में ज्यादातर लोगों के अंदर एक हाइपर मेटाबॉलिक सिचुएशन बन जाती है, मतलब वहां पर ताकत लगती है आपको ब्रीद करने में और लिटरली अगर आपके लंग्स इन्वॉल्व हो जाए तो एक बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी लगती है आपके बॉडी को ऑक्सीजनेट रखने में. ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है अपने आप में सिर्फ उस काम में. एक बहुत बड़ी चीज आ जाएगी, ये वायरस के वजह से ही लेबर्ड ब्रीदिंग होने लगती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ऑक्सीजन लेवल कम होना, वो बड़ी बात है. सो मॉडरेट टू सिवियर केसेस में अच्छा खासा वेट लॉस होगा, माइल्ड केसेस में हो सकता है ना भी हो या हल्का फुल्का हो. मॉडरेट टू सिवियर केसेस में 10% 15% 20% तक वेट लॉस हो सकता है. और दूसरा बड़ा कारण वेट लॉस का है कि पेशेंट्स टिपिकली जो बीमार होते हैं वो इमोबिलाइज हो जाते हैं, या तो घर में रहते हैं या हॉस्पिटल में रहते हैं और उनकी मसल्स का यूज नहीं हो पाता. बिकॉज ऑफ दैट उनकी मसल लॉस होता है, डिसयूज एट्रॉफी होता है मसल्स का अच्छे खासे लंबे समय के लिए, कई कई कुछ 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, कई बार 2 महीने के लिए आपको बेड रिडन या इमोबिलाइज या थोड़ा बहुत चल फिर पा रहे हैं उसके बाद भी कई दिन लगते हैं, वीकनेस होती है. तो अच्छा खासा वेट लॉस होता है बिकॉज मसल आपके बॉडी की एक भारी भारी मसल 3 गुना भारी होता है फैट से, चर्बी से. तो मसल लॉस होगा तो वेट भी कम होगा. और तीसरा मुख्य कारण है वेट लॉस का, क्योंकि कई लोगों में टेस्ट और स्मेल के सेंसेशंस ऑल्टर हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, या तो स्मेल अच्छी आती नहीं है या फिर टेस्ट अच्छा नहीं आता. एक तो कमजोरी की वजह से लोग खा नहीं पाते या फिर भूख ही नहीं लगती, और दवाइयों की इतने सारी दवाइयां हैं उसके वजह से भी भूख नहीं लगती. इसलिए बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स अल्टीमेटली खाना ही कम खाते हैं. तो इन सब कारणों की वजह से वेट लॉस होता है कोरोना में. और इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं, आगे देखें, तो लॉन्ग टर्म में ऐसे ही पेशेंट जब रिकवरी होती है बिकॉज मसल्स कम हो जाती है, इस वजह से जब वो एक्चुअली में थोड़ा रिकवर करते हैं, भूख वापस आती है, मसल्स कम होती है, तो उस समय वजन जो है फैट ज्यादा बढ़ने लगता है बहुत जल्दी. बिकॉज जितनी ज्यादा मसल होगी उतने बेसिक मेटाबॉलिक रेट उनका बढ़ जाता है, और जैसे जैसे वायरस खत्म होता है लेबर्ड ब्रीदिंग कम होती है, एनर्जी जो इस्तेमाल हो रही है ब्रीदिंग में वो कम होने लग जाती है. तो जो आप खा रहे हैं वो वेट लॉस की जगह वेट गेन करेगा, और अब वो बिकॉज एक्टिविटी तो है नहीं इतनी जल्दी, एक्सरसाइज तो है नहीं, सो आपका अल्टीमेटली चर्बी बननी शुरू हो जाती है. सो कोविड की जो जर्नी शुरू होती है वेट लॉस टू वेट गेन, प्लस दूसरा बड़ा साइड इफेक्ट्स जो मेन ट्रीटमेंट कोरोना का, जो कोविड का मॉडरेट टू सिवियर केसेस में स्टेरॉइड्स इस्तेमाल होते हैं, तो स्टेरॉइड्स का एज अ साइड इफेक्ट आपका वेट गेन होता है. स्टेरॉइड वेट गेन, इनएक्टिविटी वेट गेन मसल लॉस के, और भूख जो वापस आती है उसका वेट गेन, ये होने शुरू हो जाता है. प्लस साइकोलॉजिकल बहुत स्ट्रेस है लोगों, इतना ज्यादा स्ट्रेस, इतना ज्यादा टेंशन, कई बार पर्सनल लॉस, किसी का फाइनेंशियल लॉस, कोई जस्ट स्ट्रेस क्या होगा मुझे ना हो जाए, प्री कोविड ही वेट गेन होने लग जाता है कई लोगों का, स्ट्रेस स्ट्रेस में ओवर ईटिंग. सो देर आर लाइक सो मेनी रीजंस फॉर वेट गेन बिकॉज आफ्टर कोविड, प्रीवियस पहले भी हो सकता है, प्री कोविड पोस्ट कोविड
दोनों में वेट गेन हो सकता है ड्यूरिंग कोविड। अगर एक्चुअली में आपको माइल्ड है तो वेट गेन हो सकता है, मॉडरेट टू सीवियर केसेस में आपका वेट लॉस होगा। सो ये कोविड का लेना देना है। सो अल्टीमेटली ड्यूरिंग कोविड आपका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ये जितनी भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, जितनी भी आपकी मसल्स है, उनकी एक्टिविटी मेंटेन करके रखने की, ताकि उनमें ब्लड फ्लो बना रहे और मसल मास मेंटेन रहे। साथ ही आपको एक हाई प्रोटीन डाइट लेना है, आपके टिश्यूज की रीजनरेशन हो उसके लिए भी प्रोटीन जरूरी है, और साथ ही आगे चल के वेट मेंटेन करने के लिए भी, मसल मास मेंटेन करने के लिए भी प्रोटीन जरूरी है ड्यूरिंग एंड आफ्टर, प्री ड्यूरिंग एंड पोस्ट कोविड आपको हाई प्रोटीन डाइट लेना पड़ेगा। कार्ब्स और सिंपल कार्ब्स आपको कम लेने हैं, राइट। टोटल कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ज्यादा लेने हैं, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स पे ज्यादा ध्यान देना है, और साथ में जितनी हो सके अपने मसल्स की फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करनी। ये सब करेंगे तो आप अपना वेट मेंटेन कर पाएंगे, पोस्ट कोविड भी आप अपना वेट बहुत ज्यादा लूज या गेन नहीं करेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो, ताकि लोगों को समझ आए कि क्या हुआ, क्यों हुआ और आगे उससे डील कैसे करना है। इसके बाद हम हेयर लॉस के बारे में भी आपको बताएंगे, जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कोरोना की वजह से पोस्ट कोविड फेज में, खासकर क्यों हुआ, क्या करना है, कैसे करना है। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।